गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा राजधानी के पर्यटक स्थल भोपाल बोट क्लब पर बड़े झील में मछुआरा समाज द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली छोटी बोट डोंगी रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 20 टीमों ने भाग लिया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के बड़ी झील में डोंगी रेस का आयोजन किया गया। इस रोमांचकारी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजधानी के केवट समाज में भी गजब का उत्साह देखा गया। शहर के बोरबन बहटा ग्राम के साथ ही धर्मपुरी, शहीद नगर करबला और संत हिरदाराम नगर सहित शहर के अन्य क्षेत्रों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। रेस में भाग लेने हेतु अंतिम रूप से 20 डोंगी टीम का चयन किया गया। डोंगी रेस की टीमों में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कृत किया गया, जिसके अंतर्गत करबला क्षेत्र की रोहित और राज रेकवार की टीम ने अंतिम क्षणों में बाजी मारकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं विशाल रेकवार व सुधीर रेकवार की टीम ने दूसरा स्थान तथा हनी रेकवार एवं अर्जुन चौहान की टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। राज रेकवार पापा का नाम जगदीश रेकवार है। हमने काफी 10 दिनों तक मेहनत की, बड़े तालाब के अंदर हवा चलती थी, फिर भी ठंड लगती थी, आगे बैठने वाला और गीला हो जाता था, पल्लर आते थे जो पानी की बेफ उसमें गीले होते थे, ठंड लगती थी, फिर भी प्रैक्टिस करते थे, घर वाले मना करते थे बेटा मत जा, स्टैंड है, हमने कि नहीं जाना है, कंपटीशन है हमारा, प्रैक्टिस करते रहते थे। सर बहुत खुशी हो रही है, हमें तो हम फर्स्ट आए और अभी तो खुशी हो ही रही है, अभी घर पर भी जाके बहुत खुशी मनाएंगे हम सब साथ में इकट्ठे होकर। सर 10 से 15 दिन मेहनत की है हमने, बहुत सर्दी भी पड़ी, उस सर्दी में भी मेहनत की है हमने, बहुत सर्दी लगती थी नाव चलाने में, कंटिन्यू नहीं करते रहे, इस वजह से मेहनत सफल हुई हमारी, आज होना चाहिए सर, जब भी तो हौसला बढ़ेगा हमारा भी, अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा भी नाम होगा, लोग जानेंगे हमें, हम भी यही चाहते हैं कि हर साल होए आयोजन। ठंड पड़ रही थी, पानी गई, प्रैक्टिस चालू थी हमारी, क्या करना, जीतना तो करना था कुछ। प्रतियोगिता में पूरे भोपाल के नाविकों के साथ साथ पर्यटकों से बोट क्लब हरा भरा रहा और अपनी क्षेत्र की टीम के उत्साहवर्धन के लिए दर्शकों द्वारा तालियां और शोर से पूरा माहौल रोमांच से भर गया। निगम के जनरल मैनेजर सुहेल कादिर ने बताया कि निश्चित रूप से इस आयोजन से न केवल निषाद के बटमाजी समाज में चेतना का प्रसार होगा, अपितु केरल में होने वाली स्नेक बोट की भांति ही भोपाल में होने वाली ये प्रतियोगिता भी शहर को एक नई पहचान दिलाएगी। श्री कादिर ने बताया कि निगम प्रबंधन ने इस डोंगी रेस के आयोजन को हर वर्ष 27 जनवरी को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे केवल माननीय अध्यक्ष महोदय की सोच है कि भोपाल को कुछ नई पहचान दो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी जलराशि है, तो फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हमने डोंगी रेस प्लान की। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि हाँ, डोंगी रेस से मछुआरा समाज में भी चेतना आएगी और एक नई चीज होगी इंडिया में कि डोंगी रेस सिर्फ भोपाल में होती है, तो इसलिए इसका आयोजन किया गया। अब ये रेस हर साल 27 जनवरी फिक्स है, उनको कैश प्राइसेस दिए जाएंगे, इस पर दिया डिमांड, ये पूरा मछुआरा समाज ने किया था, हम सिर्फ सुविधाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी डोंगी उनकी है, सब सामान उनका है और इनाम भी उन्होंने अपने मुंह से जो बोला वो हमने उनका किया है, वो इतने में सब खुश है और अब इसको आगे बढ़ाने की और कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर निगम के कंपनी सचिव संदेश यश लहा ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम को 11,000 की नगद राशि, वहीं निगम के महाप्रबंधक श्री केशव राव शाद ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान व महाप्रबंधक श्री एसपी सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारी श्री राकेश अर्गल द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को राशि 5,000 व 3,000 रुपए की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर निगम भोपाल रीजन के रीजनल मैनेजर एयू खान, बोट क्लब के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल कुरूप, मैनेजर आईटी प्रसन्ना जगदले और सहायक अधीक्षक विनोद श्रीवास्तव सहित राजधानी के वोटर स्पोर्ट्स लवर्स और पर्यटक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।